कैन थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैन थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अभिषेक सिंह पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी भैरवपुर काली मंदिर थाना कैन जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। कैन थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त अभिषेक सिंह द्वारा कैन क्षेत्र में भिन्न भिन्न तिथियों में चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित की गई हैं, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उपरोक्त गैंग सदस्य द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं व आर्थिक लाभ के लिए चोरी व नकबजनी की घटनाएं कारित की जा रही थी तथा जिनका समाज में भय व्याप्त है, इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त अभिषेक सिंह वांछित था, जो दोबारा अपराध कारित करने के लिए पिलर्स स्कूल पर असलहे के साथ मौजूद था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राकेश यादव, चंद्राकर यादव शामिल रहे। अरे